छतरपुर जिले में सागर रोड पर स्थित पंडित मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति विश्वकर्मा के साथ गुरुवार को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पहुंचकर कुल सचिव डॉ. जेपी मिश्रा को आवेदन देते हुए बीए एलएलबी के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में सिलेबस से बाहर प्रश्न आने की शिकायत करते हुए संबंधित प्रश्नों के अंक दिए जाने की मांग रखी है। आवेदन देने आए बीए एलएलबी के छात्र शाश्वत जैन ने बताया कि इंग्लिश के प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जो उनके सिलेबस में ही नहीं थे, परिणाम स्वरूप कोई भी विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कुल सचिव को आवेदन देकर संबंधित प्रश्नों के अंक विद्यार्थियों को दिए जाने की मांग रखी गई है, जिस पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन भी विद्यार्थियों को दिया। समस्या इस तरह की समस्या आई है कि इंग्लिश का जो कि पेपर था इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, जिससे सभी छात्रों को बहुत समस्या गई। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाने के कारण कोई भी छात्र से क्वेश्चन बना नहीं है। हम लोग ने उसी के एवज में यहाँ पर कुलपति कुल सचिव के द्वारा कुल सचिव को एक एप्लीकेशन लिख के दी है, जिससे कि जो क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन आया है उसे उसके नंबर दिए जाएँ। सर के द्वारा कुलपति कुल सचिव के द्वारा मिश्रा जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसमें सुधार किया जाएगा और जो बच्चों से ज़्यादा लाभ होगा उसे लाभ दिलवाया जाएगा। बच्चों ने आज जनरल इंग्लिश का पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का और बीएलएलबी एलएलबी दोनों का ही था, तो इस संबंध में जो पेपर आया था वो आउट ऑफ द सिलेबस आया था। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस का क्वेश्चन आ गया था और फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन गायब थे, तो इस चलते बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई और एटीकेटी भी बन जाती है, बच्चों को नुकसान होता है इस चीज़ का। इसी संबंध में हम लोग कुल सचिव जी से मिलने आए थे कि आप इसमें कुछ एक्शन लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आप इसमें कमेटी गठित करके और इसमें प्रॉपर जो बच्चों को लाभ हो सकता होगा उसको हम दिलवाएंगे। अभी मेरे संज्ञान में आया तो नहीं है, क्योंकि अभी लॉ का एक डेलीगेशन तो हमारे पास आया था लेकिन अंग्रेजी का डेलीगेशन नहीं आया है, और यदि ऐसा हुआ है तो उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस यदि है तो छात्रों की कोई गलती नहीं है इसमें, ये जो प्रश्न सेटर करता प्राध्यापक है उनकी गलती है। तो यदि ऐसा हुआ है तो छात्र हित में जो है वो उसके अंक उनको दिए जाएंगे। या फिर इसको पेपर को कैंसिल कराने का भी प्रावधान इसमें होता है क्या? नहीं, जितने प्रश्न गलत होते हैं उनका वो करते, यदि 75% के ऊपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो फिर ऐसा किया जा सकता है। उसमें भी हमको विशेषज्ञों की सलाह लेना पड़ती है, जांच समिति बनाना पड़ती है और जांच समिति की जो अनुशंसाएँ आती हैं उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं।